आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री से मसीही बरादरी के 13 रुकनी वफद ने मुलाकात की है। आईएसपीआर के मुताबिक वफद की कयादत डॉक्टर आजाद मार्शल सदर बिशप चर्च ऑफ पाकिस्तान एंड बिशप ऑफ रायविंड ने की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मजहबी और बैनुल मजाहिब हम आहंगी पर तबादला ख्याल किया गया। मजीद तफसीला जानेंगे गजाला नौरीन से। गजाला बताइएगा इस मुलाकात के हवाले से। जी बिल्कुल, आईएसपीआर की जानिब से जारी तफसीलात में बताया गया है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री से मसीही बरादरी के 13 रुकनी वफद ने मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ ने कौमी तरक्की में पाकिस्तानी मसीही बरादरी के किरदार को सराहा और इस मौके पर सिपा सालार का ये कहना था कि इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम और मुआशरे में अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं है। आर्मी चीफ ने कहा कि महजब मुआशरे में किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आईएसपीआर की जानिब से बताया गया है कि मसीही बरादरी के अरकान ने दहशतगर्दी से निमटने और मुल्क में अकलियतों को महफूज माहौल फराहम करने में पाक फौज की काविशों को सराहा और इसके साथ उन्होंने आर्मी चीफ के इस इकदाम की भी तारीफ की जो पाकिस्तानी अकलियतों के लिए कौम की तामीर में ज्यादा से ज्यादा फाल हिस्सा लेने और एक मजबूत और रवादार माशरे में अपना एतमाद बहाल करने के हवाले से एक तहरीक है। जी बहुत शुक्रिया गजाला नौरीन आपका।